Welcome to my channel Science with Mousmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science class 9 chapter 11th work and energy part 3. And you can see the last part. If you like the video, then please subscribe my channel, like and share it, and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. In this part, we are going to discuss about potential energy of an object at a height. अगर ऊंचाई में रहता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है एक वस्तु का. फिर हम डिस्कस करेंगे आर वेरियस एनर्जी फॉर्म्स इंटरकन्वर्टेबल, यानी कि जो एनर्जी फॉर्म्स है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को वो चेंज हो सकता है क्या. अवश्य हो सकता है. फिर हम बढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. फिर हम बढ़ेंगे रेट ऑफ डूइंग वर्क, व्हाट इज कॉल्ड द पावर, एंड इस पावर को हम कैसे नापने वाले हैं, व्हाट इज पावर. फिर हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज वन वाट ऑफ पावर, फिर व्हाट इज वन किलोवाट, और फिर हम देखेंगे कि वन किलोवाट आवर पावर क्या है, और फिर हम लास्ट में देखेंगे कि कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. सो लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट. विल स्टार्ट इट फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट. ये हम पहले से शुरू कर चुके हैं पोटेंशियल एनर्जी. चलिए अब देखते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस इट्स एनर्जी व्हेन रेज थ्रू ए हाइट. किसी वस्तु को अगर हम ऊंचाई तक उठाएं तो क्या होता है, इसका एनर्जी जो है ये बढ़ जाता है. कैसे बढ़ जाता है, क्योंकि इसके ऊपर काम होता है इसीलिए एनर्जी बढ़ जाता है, और वर्क डन जितना होगा वो इतना एनर्जी गेन करेगा, है ना. ये हम पहले दो पार्ट में भी ये समझा चुके हैं. तो दिस इज बिकॉज एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजर्स इज एनर्जी. एनर्जी इंक्रीज कब करता है, जब इसको ऊपर उठाया जाता है हाइट में. और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वर्क इज डन ऑन इट, उसके ऊपर कुछ काम होता है, और ये वर्क डन होता है अगेंस्ट ग्रेविटी व्हाइल इट इज बीइंग रेस्ट. तो फिर ग्रेविटी जो है ये हर चीज को अपनी ओर हम अर्थ की ओर खींचता है, नीचे की ओर खींचता है. तो फिर अगर ऊपर हम उठाएं तो फिर ये अगेंस्ट ग्रेविटी ही तो हुआ. तो द एनर्जी प्रेजेंट इन सच एन ऑब्जेक्ट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो फिर ग्रेविटी के अगेंस्ट में हमने किसी नीचे की वस्तु को ऊपर उठाए तो फिर ये अगेंस्ट द ग्रेविटी हुआ, और इसमें जो एनर्जी है इसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. तो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पॉइंट Above the ground is defined as the, हम gravitational potential energy कैसे define करेंगे, as the work done in raising it from the ground to that point against gravity. यानी कि ground से होकर इसी ऊंचाई तक वस्तु को उठाने के लिए हमने जो gravity के against में काम किया. gravity किस तरह है, gravity है नीचे की ओर, तो हमने जब इसको ऊपर उठाया ये gravity के against हुआ, और ये जो वर्क डन हुआ इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. इसी का जो वर्क डन हुआ, इट इज इजी टू अराइव एट एन एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट. चलिए अब देखते हैं इसके लिए ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक हाइट में इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, हम आगे जाकर देखते हैं. सपोज हमने एक वस्तु ले लिया, एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया जिसका मास है एम, और इसको हमने एच हाइट तक उठाया और फ्रॉम द ग्राउंड, एंड ए फोर्स इज रिक्वायर्ड टू डू दिस. इसके लिए हमें एक फोर्स चाहिए, क्योंकि किसी भी काम करने के लिए या फिर वस्तु के मोशन के लिए हमें चाहिए एक फोर्स. तो द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो कितना फोर्स चाहिए ये वर्क डन के लिए, जितना कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम उठा रहे हैं तो इतना फोर्स चाहिए. तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, एम जी, द इतना फोर्स है. तो एफ इक्वल टू हमारा हो गया एम जी. द ऑब्जेक्ट गेन्स एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट. तो फिर ये ऑब्जेक्ट कितना एनर्जी गेन करेगा, इसके ऊपर जितना वर्क डन हुआ है इतना. तो लेट द वर्क डन ऑफ द ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी बी, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन हम जानते हैं W इक्वल टू एफ एस. एफ क्या है, फोर्स, और एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट. तो फिर फोर्स इसी जगह हो गया उसी वस्तु का, ऑब्जेक्ट का वेट, और वो हो गया एम जी, और हमारा डिस्प्लेसमेंट जो हाइट है वो हो गया हमारा एच. इसी हिसाब से एम जी इंटू एच हमारा हो गया एम जी एच. ये है
वही पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट व्हिच इज एट ए हाइट ऑफ h. सिंस वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू mgh, तो फिर इतना ही वर्क हुआ और जितना वर्क हुआ उतना एनर्जी उसमें प्रेजेंट है, वही है उस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी. वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू mgh. एनर्जी एन एनर्जी इक्वल टू mgh यूनिट्स इज गेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट. एनर्जी इतना ही गेन होगा जितना वर्क उसके ऊपर हुआ है, तो कितना एनर्जी होगा, ये हो गया हमारा mgh, क्योंकि mgh वर्क डन हुआ है. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, और यही mgh जितना वर्क डन हुआ है. W इक्वल टू fs, f हो गया हमारा mg, s हो गया हमारा h, इसी सब से वर्क डन mgh, सो एनर्जी गेन विल बी ऑल्सो mgh विच इज द पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर. अब आगे देखते हैं कि ये इट इज यूजफुल टू नोट दैट वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन वर्टिकल हाइट ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. कितना वर्क डन हुआ है ये जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि इसका इनिशियल पोजिशन क्या था और फाइनल पोजिशन क्या है. सफो इनिशियल पोजिशन ये है, फाइनल पोजिशन ये है, तो ये कितना हाइट हमने उठाया इसी हाइट से हमको पता चलेगा कि वर्क डन कितना हुआ है, कि क्योंकि जितना ऊंचाई तक हम उठाएंगे वर्क डन इतना ज़्यादा होगा, वर्क डन इतना ज़्यादा होगा, तो हम जितना कम ऊंचाई तक उठाएंगे वर्क डन इतना कम होगा, तो इसीलिए हमको इनिशियल और फाइनल पोजिशन जानना जरूरी है. तो द ऑब्जेक्ट एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नॉट ऑन द पाथ अलॉन्ग व्हिच द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड, ये कितना ऊंचाई तक गया यही ये फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन ये इम्पोर्टेंट है. ये किस तरह पाथ से गया, ये या तो सीधा गया या ऐसे घूम घूम के गया, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. फर्क पड़ता है इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है, तो फिर इसी हिसाब से उसका वर्क डन होता है. तो अलॉन्ग व्हिच शोज दैट, सो 18.8 में हमको ये दिखाया गया है ए केस वेयर ए ब्लॉक इज रेज फ्रॉम ए पोजिशन ए टू बी, एक ब्लॉक को उठाया गया बाय टेकिंग टू डिफरेंट पाथ. इसमें ये है पहले वाला पाथ, ये है सेकंड वाला पाथ, टू डिफरेंट पाथ है. लेट द हाइट ए बी, हाइट दोनों में इसी एच हाइट को ही ऊंचा ताकि उसको उठाया गया. इन बोथ द सिचुएशंस द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज एम जी एच, चाहे आप सीधा लें या फिर आप जिगजग मैनर में लें, आप जैसे भी लें उसी वस्तु को हाइट जितना है इसी हिसाब से वर्क डन होगा, जो कि दोनों केस में क्योंकि एच हाइट तक उठा है ये हमारा वर्क डन हो गया एम जी एच. क्लियर. आगे बढ़ते हैं. चलिए इसका और भी देख ले. आर वेरियस एनर्जी फॉर्म्स इंटरकन्वर्टेबल, यानी कि आप एनर्जी फॉर्म्स जानते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और तो फिर क्या एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी फॉर्म को ये चेंज हो सकता है, कन्वर्टेबल है? बिल्कुल है, तभी तो जाकर सारे काम चल रहा है, नहीं तो ये तो नेचर में ये एक इम्बेलेंस हो जाता. तो फिर चलिए आगे देखते हैं इसका डिटेल में. कैन वी कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनादर, वी फाइंड इन नेचर ए नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनादर. ऐसे नेचर में भी हम बहुत सारे देखते हैं वन फ्रॉम टू अनादर. कैसे? देखिए आप बच्चों का छोटे छोटे ग्रुप्स लीजिए, दो चार बच्चे, कुछ कुछ बच्चे एक एक ग्रुप बना के, और फिर उनको बोलिए कि डिस्कस द वेरियस वेज ऑफ एनर्जी कन्वर्शन इन नेचर. हमारे नेचर में भी तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को कन्वर्शन होता है एनर्जी का. जैसे देखिए हाउ डू ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड, खाना कैसे बनता है? हमारे जो लाइट एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, वही चेंज होता है, और केमिकल एनर्जी जो खाना बनता है केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है. तो फिर वेयर डू दे गेट देयर एनर्जी फ्रॉम, वो एनर्जी कहाँ से पाते हैं? कि हमारे सोलर एनर्जी आता है, क्लोरोफिल में ये सब बनता है, आप जानते हैं ना फोटोसिंथेसिस, तो इसमें से लाइट एनर्जी हमारी केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है. वेयर डज द एयर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एयर क्यों मूव करता है? तो डिफरेंस इन प्रेशर में ये सब होता है. हाउ आर फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम फॉर्म, तो फिर कोल और पेट्रोलियम में भी तो एनर्जी स्टोर होकर रहता है. तो व्हाट काइंड्स ऑफ एनर्जी कन्वर्शन सस्टेन द वाटर साइकिल, वाटर साइकिल में क्या होता है? हमारे लाइट एनर्जी सूरज से जो आता है
फिर ये पानी को गर्म कर देता है, तो फिर पानी हीट एनर्जी हो जाता है, फिर वो जाकर हमारे वेपराइज हो जाता है, इसी से तो हमारे बारिश होता है, तो फिर वाटर साइकिल भी तो ऐसे ही चलता है कन्वर्सन ऑफ एनर्जी से। आइए देखते हैं एक्टिविटी नंबर 11.14। मेनी ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज एंड द गैजेट्स वी यूज इन्वॉल्व कन्वर्सन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो बहुत सारे गैजेट्स ऐसे हैं, जैसे हमारी लाउड स्पीकर हो गया, क्या होता है तो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कि इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्टेड है, इसके बारे में हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज हो जाता है और साउंड एनर्जी हो जाता है, तभी तो हमारे आवाज़ जोर जोर का सुनाई देता है। तो मेक ए लिस्ट ऑफ सच एक्टिविटीज एंड गैजेट्स, इससे बहुत सारी है, तो फिर इसी हिसाब से हमारे गैजेट्स जो हैं ये भी एक एनर्जी को दूसरे फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। आइडेंटिफाई इन ईच एक्टिविटी गैजेट्स एंड काइंड ऑफ एनर्जी कन्वर्सन दैट टेक्स प्लेस। आइए देखते हैं कि अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये कंजर्वेशन का मतलब क्या है? कंजर्वेशन मतलब हो संरक्षण, यानी कि ज्यों के त्यों रहना, उसमें ना कुछ घटे ना कुछ बढ़े, ये है कंजर्वेशन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ और फिर कंजर्वेशन ऑफ सॉइल आप सुने होंगे, यानी कि सॉइल का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सुने होंगे, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, तो फिर द टोटल मास ये सेम रहता है हमेशा। ऐसे ही एनर्जी के बारे में ये कहा गया है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार क्या है, एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को चेंज हो सकता है, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, ना तो इसको आप क्रिएट कर पाएंगे, सृष्टि कर पाएंगे, ना ही इसको आप डिस्ट्रॉय कर पाएंगे या फिर आप इसको विलुप्त कर पाएंगे। और टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स द सेम। तो एक फॉर्म से जो दूसरे फॉर्म को चेंज होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन होने से पहले जितना एनर्जी था, टोटल एनर्जी जितना था, ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद टोटल एनर्जी फिर यूं ही कि यूं ही रहेगा, रिमेन्स द सेम, वही सेम रहेगा। तभी तो इसको कहा गया है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड इन ऑल सिचुएशंस, ये सभी सिचुएशन में लागू होता है, एंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसको ऐसे पैसे के हिसाब से भी समझ सकते हैं, जैसे देखिए आपके पास 1,00,000 पैसा है, आपने क्या किया, 2 तोला सोना खरीद लिया, या फिर आप क्या कर सकते हैं, वही सेम वैल्यू ही तो है, जबकि 1 तोला हमारे 10 ग्राम्स सोने का वैल्यू हो गया हमारा 50,000, तो फिर आप चाहे 10 ग्राम्स 2 तोला सोना रखें तो वही 1,00,000 का 1,00,000 रहा, या फिर 50,000 आप पैसे के हिसाब से रखें और 10 ग्राम सोने के हिसाब से रखें, उसका वैल्यू तो वही सेम का सेम रहा, तो उसको कहेंगे हम कंजर्वेशन, यानी कि ये सेम है, चाहे ये सोने की फॉर्म में रहे या फिर पैसे की फॉर्म में रहे। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड इन ऑल सिचुएशंस। कंसिडर ए सिंपल एग्जाम्पल, चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट लिया हमने जिसका मास है m एंड उसको हमने फ्री फॉल के लिए अलाउ कर दिया फ्रॉम ए हाइट, एक ऊंचाई से जिसका हाइट है h। तो एट द स्टार्ट द पोटेंशियल एनर्जी mgh एंड काइनेटिक एनर्जी इज 0। तो जब ये वस्तु ऊंचाई में स्थित रहा तभी उसका जो एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी था और वो है mgh, और तभी ये वस्तु हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है उस ऑब्जेक्ट का वो बिल्कुल ही बिल्कुल नहीं था, वो 0 था। क्यों 0 था, व्हाई इज द काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि इसका जो वेलोसिटी है यही 0 था। तो आप जानते हैं ना काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1/2 mv². तो अगर वेलोसिटी हमारी 0 हो गई तो फिर इसी हिसाब से हमारी काइनेटिक एनर्जी भी हो गया 0, और हमारी पोटेंशियल एनर्जी था उसमें टोटल एनर्जी था वो पोटेंशियल एनर्जी था वो हो गया mgh। द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 mgh, जब ऊंचाई में था उसका एनर्जी mgh हो के ही था। तो फिर उसने क्या किया, ऊपर से नीचे गिरना शुरू किया एज इट फॉल्स, तो फिर इसका पोटेंशियल एनर्जी अब चेंज होता जाएगा काइनेटिक एनर्जी को, क्योंकि ये मोशन में आ गया। तो बी को अगर हम उस वस्तु का वेलोसिटी मानेंगे तो फिर क्या होगा, ये काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² जो है ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी वुड इंक्रीज और पोटेंशियल एनर्जी जो है ये धीरे धीरे डिक्रीज करता, कम घटता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा।
तो फिर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू रीच द ग्राउंड, ऐसा एक टाइम आएगा जब ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड को टच नहीं किया है, टच करने वाला है जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, जहाँ की एच हमारी हाइट जीरो है एंड वी विल बी द हाईएस्ट, और वो पूरा अपना टॉप स्पीड में है, वेलोसिटी भी है हाईएस्ट में है, उसमें क्या होगा काइनेटिक एनर्जी जो है वो लार्जेस्ट होगा और हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सबसे कम होगा, क्योंकि वो अपना हाईएस्ट स्पीड में है ना। तो फिर इसी सबसे देखा जाए तो द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट वुड बी द सेम एट ऑल पॉइंट्स, किसी जगह पोटेंशियल ज़्यादा काइनेटिक कम, किसी जगह काइनेटिक ज़्यादा पोटेंशियल कम, उसी हिसाब से देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम जो है, दोनों का मिश्रण अगर हम ऐड करेंगे तो फिर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये कंस्टांट ही होगा, कभी ये ज़्यादा होगा तो कभी ये पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा, पर ये कंस्टांट ही होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है एम जी एच प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू कंस्टांट, क्लियर। द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी हम किसे कहेंगे, उसका जितना काइनेटिक एनर्जी है प्लस इसका जितना पोटेंशियल एनर्जी है उसका एडिशन, उसका सम को हम कहेंगे उसका मैकेनिकल एनर्जी। वी फाइंड दैट ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट इन इट्स पाथ अपीयर्स एज एन इक्वल अमाउंट ऑफ इंक्रीज, जितना इसका पोटेंशियल एनर्जी घटेगा इतना काइनेटिक एनर्जी उसका बढ़ेगा। तो फिर हियर द इफेक्ट ऑफ एयर, हमने एयर रेजिस्टेंस को कैलकुलेट नहीं किया है, इग्नोर किया है, देर इज दस ए कंटिन्यूअल, इसी हिसाब से देखा जाए तो एक कंटिन्यूअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंटू काइनेटिक एनर्जी, ऊपर से अगर वस्तु गिरता है तो इसी हिसाब से ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता रहता है, क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं एक एक्टिविटी 11.15, इसमें कहा गया है एक 20 किलो का एक मास वाला एक वस्तु लिया गया है ऑब्जेक्ट, जिसको कि 4 मीटर हाइट से गिराया गया और उसमें ये सारी एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए बोला है। आप जानते हैं एम जी एच हो जाएगा, तो एम क्या है हमारे 20 kg, जी क्या है, जी का वैल्यू दिया गया है हमारे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमारा हाइट हो गया है 4 मीटर, तो आप जानेंगे एम जी एच क्या है, एम इंटू जी इंटू एच, एम हो गया 20, जी हो गया 10 और एच हो गया हमारा 4 मीटर, इसी हिसाब से उसको कैलकुलेट किया गया है। आइए अब देखते हैं पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क ये है हमारी पावर, तो ये हम आगे जाकर जानेंगे, अभी तो ये रेट ऑफ डूइंग वर्क के नाम से ही दिया गया है। तो फिर डू एक प्रश्न आप खुद को पूछिए कि डू ऑल ऑफ अस वर्क एट द सेम रेट, आपके फ्रेंड और आप दोनों एक साथ किसी होमवर्क करना शुरू किए, क्या दोनों सेम ही टाइम में खत्म करते हो, नहीं ना, कोई जल्दी करता है कोई धीरे करता है, क्यों, किसका माइंड पावर ज्यादा है जल्दी जल्दी, उसका प्रैक्टिस ज्यादा है और किसका कम है। तो फिर इसी हिसाब से मशीन भी देखें तो एक बल्ब कम जलता है और एक बल्ब ज्यादा जलता है, क्यों, क्योंकि एक 9 वाट का होता है एक 11 वाट का होता है, तो फिर कौन सा ज्यादा जलेगा, 11 वाट वाला ज्यादा जलेगा। इसी हिसाब से देखा जाए तो हमारे मशीन भी जो है ये कंज्यूम और ट्रांसफर एनर्जी क्या सेम रेट में ट्रांसफर करता है, नहीं करता है, तो फिर उनका पावर भी अलग अलग होता है। एजेंट्स दैट ट्रांसफर एनर्जी डू वर्क एट डिफरेंट रेट्स, तो फिर इसी हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट एजेंट डिफरेंट डिफरेंट वर्क रेट उनका रहता है, तो इसको और अच्छी तरह जान जाते हैं इसी एक्टिविटी से, एक्टिविटी नंबर 11.16। दो बच्चा ए और बी, तो फिर उनको कहा गया दे लेट अस से दे उन दोनों का वेट भी समान है और ये दोनों ने एक रोप को चढ़ना शुरू किया, तो फिर ये रोप का लंबाई था 8 मीटर, दोनों ने चढ़ना शुरू किया, ए ने ख़त्म कर दिया 15 सेकंड में चढ़ के दिखा दिया और बी को इस रोप चढ़ने के लिए लग गया 20 सेकंड, तो फिर क्या दोनों का वर्क करने का रेट सेम रहा, अलग अलग रहा, हमारी ए जो है हमारी ए ने लेस टाइम लिया, हमारी बी ने थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया, तो फिर हु हैज़ डन मोर वर्क इन ए गिवन टाइम से इन 1 सेकेंड, अगर 1 सेकेंड में हम कंसिडर करें किसने ज़्यादा काम किया, जिसने बहुत तेज़ी से चढ़े हैं यानी कि कम टाइम में चढ़े हैं, है ना, तो फिर वो उनका जो पावर है उनका जो काम करने की
रेट है, वर्क रेट है, वो ऑब्वियसली ज़्यादा है, आपको तो ये पता चल ही रहा है। इस बात को हम आगे जाकर और डिटेल में देखते हैं। देखो, एक स्ट्रॉन्गर पर्सन है तो फिर वो जो काम करेगा वो किसी भी काम को कम टाइम में कर देगा, और एक वीक पर्सन है तो फिर वो थोड़ा ज़्यादा धीरे धीरे करेगा तो फिर उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसे भी एक आप पावरफुल व्हीकल, एक स्कूटी से जाएंगे, एक बाइक से जाएंगे, तो क्या हुआ, आप बाइक से जाएंगे तो शॉर्टर टाइम में पहुंचेंगे, स्कूटी थोड़ा धीरे धीरे जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हमारी बाइक जो है ये पावरफुल व्हीकल है देन स्कूटी, है ना। तो देन ए पावरफुल, वी टॉक ऑफ द पावर ऑफ मशीन्स लाइक मोटर बाइक्स एंड मोटर कार्स। मोटर बाइक और मोटर कार का देखें तो कार ज़्यादा पावरफुल होगा और इसमें हमारे लेस टाइम लगेगा वही सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए इन कंपेरिजन टू मोटर बाइक्स। द स्पीड विथ हुईज दीज व्हीकल्स चेंज, तो फिर इसका स्पीड अलग अलग है क्योंकि मोटर कार का स्पीड जो है वो ज़्यादा है। उस हिसाब से एनर्जी और डू वर्क इज ए बेसिस फॉर देयर क्लासिफिकेशन, इस हिसाब से इनका वर्क रेट भी अलग अलग होगा। तो पावर, ये पावर जो बोल रहे हैं इसका काम क्या है, ये पावर मेजर्स द स्पीड ऑफ वर्क डन, कौन सा स्पीड, कितना स्पीड से आप काम करते हैं, कितना तेजी से, कितना ज़्यादा काम कर सकते हैं, इसी हिसाब से आपका पावर इतना ज़्यादा है। तो फिर पावर हमको ये बताता है द स्पीड ऑफ वर्क डन, किस स्पीड से आप काम कर सकते हैं वही बताता है। दैट इज हाउ फास्ट और स्लो वर्क इज डन, कितना तेजी से हो रहा है या फिर कितना धीमी से हो रहा है, ये हमको पता चलता है उसका पावर से। तो पावर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी कितना ट्रांसफर होता है, तो पावर है रेट ऑफ डूइंग वर्क, आप कितना स्लो करते हैं कितना फास्ट करते हैं, वही तो है रेट ऑफ डूइंग वर्क। और जितना वर्क डन होता है ना इतना एनर्जी ट्रांसफर भी होता है। एनर्जी ट्रांसफर कितना होता है, जितना वर्क डन होता है, तो ये सेम चीज है। इट इफ एन एजेंट डज वर्क डब्ल्यू इन टाइम टी, सपोज किसी बंदा ने डब्ल्यू काम किया और वो टी टाइम में किया, देन पावर इज, पावर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, पावर इक्वल टू वर्क पर टाइम। पावर को अगर हम पी लिखें और वर्क को डब्ल्यू लिखें तो ये हो जाएगा पी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। द यूनिट ऑफ पावर, इसको हम नापेंगे कैसे, एक यूनिट चाहिए तो वो हो गया पावर का यूनिट हो गया हमारा वाट। इन ऑनर ऑफ जेम्स वाट, ये वाट, वाट जो है कहाँ से आया पता है, जेम्स वाट, जानते हैं ना जेम्स वाट, तो फिर ये 1736 to 1819 तक हैविंग द सिंबल डब्ल्यू, वाट को हम सिंबलाइज करते हैं डब्ल्यू से। वन वाट इज द पावर ऑफ एन एजेंट व्हिच डज वर्क एट द रेट ऑफ वन जूल पर सेकेंड। तो वन वाट पावर कब बोलेंगी, जब वर्क रेट आपका ऐसा रहेगा कि वन जूल ऑफ वर्क करेंगे पर सेकंड करेंगे, तो फिर वन जूल ऑफ वर्क हो गया एक सेकंड में वन जूल ऑफ वर्क करेंगे तो उसे कहा जाएगा वन वाट। वी कैन से दैट पावर इज वन वाट व्हेन द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी इज वन जूल पर सेकंड। आप कितना एनर्जी कंजप्शन करेंगे, वन जूल एनर्जी पर सेकंड कंजप्शन करेंगे, तो फिर उसी हिसाब से उसका पावर हो गया वन वाट। सपोज हम बोलेंगे वन वाट बल्ब, तो फिर वो वन जूल एनर्जी लेता होगा एक सेकंड में। तो वो एक्सप्रेस हायर रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ये वन वाट जो ये तो काफ़ी कम है, तो फिर अगर हायर रेट और लार्जर रेट्स में हम कहना चाहते हैं, जैसे एक किलोमीटर इक्वल टू 1000 meters होता है, ऐसे एक किलो वाट इक्वल टू 1000 watts होता है, इसको डिनोट किया गया है ऐसे। और 1 kilowatt को हम लिख सकते हैं 1000 joule per second। द पावर ऑफ एन एजेंट मे वेरी विथ टाइम, ये पावर जो है ये टाइम के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है। देखिए, जैसे आपको सुबह किसी ने कहा क्या आज तुम क्या क्या काम कर सकते हो, तुम तुरंत बता दोगे पहले तो मैं जिम जाऊँगा, उसके बाद स्कूल जाऊँगा, उसके बाद मैं सब्जी लेने जाऊँगा, उसके बाद मैं एक्सरसाइज करूँगा या फिर मेडिटेशन करूँगा, इसके बाद आप कितने सारे काम बता देंगे। क्या कोई आपको बोलेगा शाम को भैया तो क्या क्या काम कर सकता है, तो आप क्या बोलेंगे, अरे मैं थक गया हूँ, मैं तो अब बस थोड़ा जाकर खाना खा के सोना है। यानी कि आपका वर्क रेट जो है सुबह जितना था शाम को इतना नहीं रहा, आपका एनर्जी खत्म हो रहा है, आपका पावर खत्म हो रहा है। तो ये वेरी विथ टाइम, टाइम के हिसाब से ये चेंज होता रहता है।
तो फिर इसी हिसाब से हम किस हिसाब से किसी का पावर नापें? दिस मीन्स दैट द एजेंट मे बी डूइंग वर्क एट डिफरेंट रेट्स एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम. अलग अलग टाइम में सभी का वर्क करने का जो रेट है वो अलग अलग रहता है. इसीलिए हम एक हमारे कंसेप्ट आया एवरेज पावर. हम एक एवरेज पावर लेंगे. ये एवरेज पावर क्या है? वी ऑब्टेन एवरेज पावर बाय डिवाइडिंग द टोटल एनर्जी कंजम्पशन बाय द टोटल टाइम. टोटल एनर्जी हमने कितना कंज्यूम किया और इसके लिए हमने कितना टाइम लिया, भले ही कभी ज़्यादा कभी कम, पर उसके लिए टोटल टाइम कितना लगा उसी को डिवाइड कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा एवरेज पावर. ठीक है, और ये हमको बहुत मदद करेगा. आइए अब देखते हैं कि ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप ज़रूर करें. एग्जाम्पल से आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा और आपका आइडिया भी क्लियर हो जाएगा. अब देखते हैं कि कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. तो फिर ये कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? देखिए, जैसे द यूनिट जूल इज टू स्मॉल एंड हैंस इज इनकन्वीनियंट टू एक्सप्रेस. आपको स्कूल का दूरी किसी ने पूछा तो बोला कि मीटर में बोलो, तो ये ज़्यादा हो जाएगा ना, किसी का 2 किलोमीटर, किसी का 4 किलोमीटर, 1 मीटर में आप कितना बोलेंगे? तो फिर इसी हिसाब से आपको चाहिए होगा 1 किलोमीटर. किलोमीटर के हिसाब से बोलेंगे तो आप जल्दी से बोल पाएंगे. कोई बोलेगा 10 किलोमीटर, कोई 2 किलोमीटर, आपको सुविधा पड़ेगा. ऐसे ही जूल जो है ये स्मॉल यूनिट है और इसीलिए हमको ये थोड़ा इनकन्वीनियंट हो रहा है लार्जर एक्सप्रेशन के, लार्जर क्वांटिटीज का एक्सप्रेशन के लिए. तो बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए हमको चाहिए किलोवाट आवर. तो ये किलोवाट आवर क्या है? लेट अस से वी हैव ए मशीन. हमारे पास एक मशीन है जो कि 1 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड ये ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है, यूज कर रहा है. 1000 जूल ऑफ एनर्जी ये यूज कर रहा है पर सेकेंड. ये मशीन अगर 1 घंटा तक कंटिन्यूसली यूज हुआ, अगर 1 सेकेंड में कोई 1000 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो 1 आवर तक होगा. तो क्या होगा? इंटू 1 आवर होगा. उसमें हम 1 आवर को इंटू करेंगे तो फिर इसी हिसाब से 1 किलोवाट आवर इज द एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकेंड. अगर 1 सेकेंड में 1000 जूल पर सेकेंड इतना एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है तो फिर 1 आवर में ये हो गया हमारा 1 किलोवाट इंटू 1 आवर. तो फिर इस हिसाब से 1 आवर में कितने सेकेंड्स है? 3600 सेकेंड्स है. उसी हिसाब से 1 किलोवाट आवर हो गया हमारा 3.6 × 10^6 जूल. तो द एनर्जी यूज इन हाउस होल्ड्स, और ये हमारी किलोवाट आवर जो है ये किसके लिए यूज होता है? हमारे हाउस होल्ड्स के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए यूज होता है. और हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज ड्यूरिंग मंथ, एक मंथ में कितना एनर्जी यूज हुआ इसके लिए हम ये यूनिट यूज करते हैं. इतना यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कंजम्पशन हुआ बोलते हैं ना. तो ये यूनिट क्या है? 1 यूनिट मीन्स 1 किलोवाट आवर है. क्लियर? चलिए अब देखते हैं एक एक्टिविटी 11.17. हम टेक ए क्लोज लुक एट द इलेक्ट्रिक मीटर को हम देखेंगे. तो आपके घर में इलेक्ट्रिक मीटर होगा तो आपको बहुत सारे इसका फीचर्स क्लोजली पता चल जाएगा. और इसका रीडिंग आप देखेंगे कि आपने सुबह 6:30 को 6:30 को देखे, फिर आपने शाम 6:30 को देखे, तो आपको पता चला कितना यूनिट आपके घर में यूज हो रहा है, इसका यूज है. तो इसी हिसाब से आप वीक का भी हिसाब रख सकते हैं कि हाउ मेनी यूनिट्स आर कंज्यूम ड्यूरिंग डे टाइम. डे टाइम में कितना यूनिट्स यूज हो रहा है, फिर हमारे नाइट टाइम में कितना यूनिट यूज हो रहा है, क्योंकि आपका सारे बेडरूम का फैंस चलता है, आपका एसी चलता है, ये सब वगैरह. तो इसी सब से आपका ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं और आपका एक कंक्लूजन में आप पहुंच सकते हैं कौन सा कंट्रोल करें. कंपेयर योर ऑब्जर्वेशंस विद द डिटेल्स गिवन इन द मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल. इसी हिसाब से और कौन सा स्पेसिफिक अप्लायंसेस बाय टेबुलेटिंग देयर नॉन वोल्टेज, अप्लायंसेस के वोल्टेज देखकर भी. जैसे मैंने कहा ना कि 9 वाट बॉल, 11 वाट बॉल, इस हिसाब से आपको ही पता चल जाएगा कि आपका कितना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है. इसी के साथ हमारे ये चैप्टर खत्म होता है. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट चैप्टर अपलोडेड बाय मी. With this, we complete our chapter. Thank you.